रुस्तमा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गेहूँ के आटे से हम खस्ता बिस्किट और खस्ता खजूर कैसे बनाते हैं। इसमें हमने गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है और सूजी का। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा ली है और ये बड़ी कटोरी ली है जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं साग सब्जी में। और अगर आप मैदा कम पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा हम आटा और सूजी मिक्स कर लेंगे, और खाली आटे और सूजी से भी हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अंदाजे से आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, जितना आपको ज़रूरत है उतना लीजिए। और थोड़ा मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ। चाहे आप किसी भी चीज़ से बनाएंगे खस्ता ही बनते हैं। थोड़ा सूजी मैंने मिक्स कर ली है और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मेरा ये है तकरीबन आधा चम्मच चाहिए। और थोड़ा मैं यहाँ पर नारियल का बुरादा डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। आप इसमें कितने भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं केवल नारियल के बुरादे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बीच में थोड़ा सा हम गड्ढा कर लेंगे और मोयन इसमें डालना है हमको। अब जो घी तेल खाना पसंद करते हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, बस सरसों का तेल नहीं डालना है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मोयन सही है क्योंकि हम घर में अक्सर मैदा सूजी रखी रहती है तो अंदाजे से ही हम लेते हैं, नाप तोल नहीं होते। वैसे 1 किलो में 200-250 ग्राम पड़ता है। अब इसमें बारी आती है चीनी डालने की, जितनी हमें टेस्ट के अनुसार। इसमें हमें साबुत चीनी ही डालनी है, हमें पीसी हुई चीनी नहीं डालनी है। मैंने 4 मुट्ठी चीनी डाल ली है। ये 1 कटोरी ही तकरीबन चीनी मेरी हो जाती है। 4 मुट्ठी चीनी 1 कटोरी चीनी हो जाती है। और थोड़ा सा और पराठे डाल लेते हैं, बस इतना मीठा हमारा काफ़ी रहेगा। अब हम इसको दूध से मांड लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बैटर अगर पतला हो गया तो हमारा फिर ये बनेगा नहीं। हमारा 1 कटोरी दूध इसमें लग गया है। तकरीबन सभी चीज़ों का यही अंदाजा है। मैंने बड़ी कटोरी इसे मैदा लिया है, फिर थोड़ा सूजी मैदा डाली, सूजी डाली है, आटा डाला है और चीनी मैंने डाली है। 1 कटोरी चीनी ही डल गई होगी, मैंने 5 मुट्ठी चीनी ली है। चीनी इसमें साबुत ही डालनी है, उसका ही टेक्सचर अच्छा आता है इसमें और खस्ता बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और मिठास भी बहुत अच्छी आती है। इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं, बस ये ध्यान रहे कि पतला नहीं होना है। चीनी साबुत डालनी है। आप इसे कभी भी बनाकर रख सकते हैं। अब मौसम थोड़ा गर्मी का आना शुरू हो गया है और हमारे त्यौहार भी आते हैं, होली भी आने वाली है, तो मैं ये रेसिपी आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी आप इसको बनाकर रख सकते हैं, भूख के टाइम पर कभी भी आप इसे खा सकते हैं। और ये इतने क्रंची बनते हैं, चाहे इसको बिस्किट बोलिए, चाहे इसको आप मट्ठी बोलिए, चाहे इसको आप खजूर बोलिए, इसको बहुत नामों से जाना जाता है। हम इसको बिस्किट बोलते हैं। और जो भी कोई न्यू व्यूअर मेरे वीडियो देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी हमारा चिकना हो गया, चलो इसमें हम बेलते हैं और कटिंग करते हैं। और भी मेरे चैनल पे ओनली स्पेशल और इन दिनों बनने वाली बहुत सी रेसिपी हैं। चिप्स है, पापड़ है, कचरी है, उसमें नींबू का अचार है, तो बहुत सी रेसिपियाँ आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। और इसकी थिकनेस थोड़ा सा मोटा रखना है इस तरीके से। और इसको हम ये मेरे छोटे बच्चे थे तब तो मैं इसे दूध और चाय पानी पिलाती थी, तो अब बड़े हो गए हैं तो ये मेरी अब बिस्किट कटिंग करने के काम आते हैं। तो इसमें से हम कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से रखते जाएंगे। कुछ हम इस साइज के बनाएंगे, कुछ हम खजूर इस टाइप में बनाएंगे डिज़ाइन से। और इसको इस तरीके से लंबाई में रखिए और इसको ऐसे दबा दीजिए, ऐसे डिजाइन बन जाएगा। या फिर इसको हम कोई भी चक्कू लेंगे
और इसको इस तरीके से हम डिज़ाइन बना देंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी शेप दे सकते हैं। चलिए आगे रेडी करके बताते हैं हम। अभी रेडी हो गए हैं, थोड़ा सा काम बाकी है बस। चाहे तो आप इससे कर लें इस तरीके से, और चाहे आप इस जो चिप्स वाली मशीन होती है चाहे आप इससे कर लें। एक बार दबा दीजिए इसको और ये अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। किसी से भी आप कर सकते हैं। आप होली पर क्या क्या बनाते हैं वो भी बताइएगा, और भी रेसिपी मैं शेयर करती रहूँगी होली स्पेशल। सभी वीडियो मिस ना करें और सभी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपने अपने घर में क्या बनाया है। चेक कर लेते हैं, हमारा घी तेल हो गया। अब इसमें सिकने के लिए डाल देते हैं। बहुत हाई फ्लेम नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम, लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें पहले डालना है। अभी थोड़ा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ठंडा मौसम है, तो इसलिए मीडियम फ्लेम रखिए। अगर गर्मी में आप बनाते हैं तो लो फ्लेम पर ही डालिएगा। एक साथ नहीं पलटना है, इनको थोड़ा सा सेट हो जाने दें, उसके बाद ही पलटेंगे। अगर कच्चा पलट देंगे तो ये टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा देखो इसमें खिल करके ऊपर को आने लगा है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे, ज़्यादा नहीं हिलाना है, थोड़ा थोड़ा हिलाना है। एक तरफ से थोड़ा सा कलर आ जाए फिर हम इसको पलट देंगे। अब इन सबको पलट देते हैं, क्योंकि सब ये ऊपर तैरने लगे हैं तो इनको उल्टा कर देते हैं। दोनों साइड से अलट पलट करते हुए सेकना है। ये हमारे सारे बिस्किट सिक गए हैं, और बाद में थोड़ा एकदम लो फ्लेम कर दिया था ताकि अंदर तक और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसमें मैंने दो खजूर भी डाल दिए थे, इनको थोड़ा बाद में निकालेंगे क्योंकि थोड़ी इनकी मोटाई ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा 2 या 3 मिनट ज़्यादा टाइम देना है, तभी अंदर तक अच्छे से सीखेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। और बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।